भ्रष्टाचार करेगा, कमीशनखोरी करेगा, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देगा, वो सरकार अब नहीं चल सकती खेड़ा के अंदर। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं। मैंने आपको उसी दिन कहा था, ये लड़ाई आपकी नहीं है, आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मेरी लड़ाई है। जब से आप खेड़ा में आंदोलन शुरू कर रहे थे, मैंने फोन पर बात की थी कुछ बहनों से, वो कोई है आप नहीं है। मैंने उनको कहा था क्या हो रहा है, जिस दिन महिलाओं के साथ पुलिस ने जाती की थी, हम उसी दिन से उत्तेजित थे, हमारे अंदर गुस्सा था, कैसे मेरी माँ बहनों का आक्रमण करेंगे वो लोग जो मेरी टैक्स के पैसे से पुलिस की वर्दी पहनते हैं, वो एसडीएम जो हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, वो डीएम जो गाड़ी में घूमता है, वो विधायक जो 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह लेता है, 4 करोड़ रुपए का वो लेता है, वो कौन लोग है? वो आपके मालिक नहीं है, ध्यान रहे, वो हमारे मालिक नहीं है, मालिक हम है, वो हमारे नौकर है। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए।